Good morning to all of you. In my previous video, I have taught you about the method of restoring soil fertility after the crop improvement and green revolution for class 8. Today, I am going to explain the next topic, which is on page number 19, that is methods of crop improvement. यानी कि हमने कल जाना था कि जो है कैसे हम जो है किन किन मेथड्स को अप्लाई करके हम जो है क्रॉप प्रोडक्शन को जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है कुछ और मेथड दिए गए हैं यहाँ पे, जिसके द्वारा हम जो है क्रॉप का प्रोडक्शन या क्रॉप जो फसल में हम जो है सुधार ला सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट आर गिवन बिलो, यानी कि हम कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम क्रॉप प्रोडक्शन में जो है बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो पहला मेथड है सेलेक्शन, यानी कि क्रॉप वेराइटीज दैट गिव हायर यील्ड एंड आर रेजिस्टेंट टू डिजीज एंड पेस्ट आर सेलेक्टेड एंड मल्टीप्लाई। यानी कि हमें ऐसी फसलों का जो है चुनाव करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन देते हों, यानी कि बहुत ज़्यादा जो उत्पादन देते हों एंड आर रेजिस्टेंट टू डिजीज, और जिन पे जो है बीमारियाँ जिन उन फसलों को जो है बीमारियाँ जो है ना लगें, एंड पेस्ट आर सेलेक्टेड एंड मल्टीप्लाई, और जो कीड़े फतिंगे होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी जो है उनको जो है नुकसान न पहुँचा सके, इस तरह के हमें बीजों का जो है सिलेक्शन करना चाहिए। इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमें जो है केवल जो क्रॉप है एक ही प्लेस तक जो है सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें जो है एक प्लेस से लेकर एक वर्ल्ड एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी हमें जो है उस क्रॉप को जो है ट्रांसफ़र करते रहना चाहिए। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ प्लांट वेराइटीज, यानी कि जो पौधों की जो अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं उनको जो है विद डिजायर कैरेक्टर, जिनका जो है एक स्पेसिफिक या विशेष कैरेक्टर होता है, गुड होता है, उनको जो है वन प्लेस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है हमें भेजना चाहिए, आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर जो है संसार के अलग अलग पार्ट में भागों में भी उन प्रजाति के फसलों को भी भेजना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस ब्रीडिंग। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसको जो है साइंटिस्ट जो है अपने प्रयोगशाला में दो पौधों को मिलाकर जो है एक नई प्रजाति के पौधे का या फसल का जो है निर्माण करते हैं। तो बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू वेराइटीज विद डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर न्यू वेराइटीज आर डेवलप्ड बाय एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, यानी कि जो हमें कृषि के जो वैज्ञानिक होते हैं वो जो है दो वेराइटीज के पौधों को मिलाकर या दो वेराइटीज या दो प्रजाति के पौधों को मिला के जो है हाइब्रिडाइजेशन करा के एक नए कैरेक्टर का जो है एक पौधा या क्रॉप का निर्माण करते हैं। तो हमें जो है ऐसी वेराइटीज को जो है अपने खेतों में जो है बोना चाहिए, तो इससे जो है जो क्रॉप यील्डिंग है वो जो है बहुत जो है हाई हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं हरित क्रांति। The great improvement in the production of food grains and other agricultural produce during the period 1960 to 1980 is described as the green revolution in Indian agriculture. यानी कि भारतीय कृषि में यानी 1960 से 1980 का जो पीरियड था, इसमें जो है जो फूड ग्रेन्स थे एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और भी जो दूसरे कृषि के जो है प्रोडक्ट थे उनमें बहुत ज़्यादा जो है सुधार किया गया उसके प्रोडक्शन में, यानी कि उसकी उत्पादन क्षमता पे जो है बहुत ज़्यादा जो है सुधार किया गया, और इसी को जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। ओके, इट इज़ नोन एज द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और इस यानी कि 1960 से 1980 के बीच का जो दशक था या जो पीरियड था उस समय जो है क्रॉप प्रोडक्शन पे जो है बहुत जो है ज़्यादा वर्क किया गया, और उस एरा को यानी उस पीरियड को जो है गोल्डन एरा ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का नाम दिया गया। द ग्रेट रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था हरित क्रांति था वो जो है डॉक्टर M.S.
स्वामीनाथन के द्वारा जो है शुरू किया गया था। एंड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो कि क्या थे, एक जो है एक कृषि वैज्ञानिक थे। एंड इट बीकेम सक्सेसफुल बाय द कलेक्टिंग एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी साइंटिस्ट एंड फार्मर। और इन्होंने यह जो है जो उपलब्धि थी वो जो है गवर्नमेंट एजेंसी के हेल्प के द्वारा, साइंटिस्टों के हेल्प के द्वारा और किसानों के हेल्प के द्वारा जो है उन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की थी। द फूड प्रोडक्शन वॉज इनहेंस टू सच एन एक्सटेंट दैट आवर कंट्री बिकम सेल्फ सफिशियंट इन फूड प्रोडक्शन। और उस पीरियड में जो हमारा कंट्री था इतना अधिक जो है फूड प्रोडक्शन कर लिया कि वो फूड के मामले यानी कि फूड प्रोडक्शन के मामले में उस समय वो क्या हो गया, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया या सेल्फ यानी कि हमारे देश में इतने ज़्यादा खाद्यान्न हो गया कि जो है मैक्सिमम लोग जो है भूखे नहीं रहते थे। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम लोगों को जो है दो टाइम का जो है खाना मिल जाता था। ड्यूरिंग ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि जो हरित क्रांति के समय हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट वर इंट्रोड्यूस फ्रॉम मैक्सिको एंड ऑस्ट्रेलिया। यानी कि बहुत ही जो बौने प्रजाति के हाई यील्डिंग जो कि बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन देते थे ऑफ व्हीट गेहूँ के इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस फ्रॉम मैक्सिको एंड ऑस्ट्रेलिया। यानी कि गेहूँ की जो कुछ एक बौने प्रजाति थी जो बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन वो देते थे वो मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्टों के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया। न्यू वेराइटीज ऑफ व्हीट वर डिजायरेबल कैरेक्टर वर डेवलप्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग मेथड। यानी कि ये जो गेहूँ की जो प्रजाति थी इसको जो है क्रॉस ब्रीडिंग यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, इस मेथड के द्वारा जो है नए प्रजाति के पौधों का निर्माण या फसलों का निर्माण किया गया। कौन सी फसल का, गेहूं के फसल का जो है निर्माण किया गया था। मैक्सिकन व्हीट वाज अ हाई यील्ड वैरायटी। जो मैक्सिमम गेहूं था, मैक्सिकन जो गेहूं था उसकी जो प्रोडक्शन क्षमता थी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में गेहूं जो है उत्पादन होता था। इट वाज रेजिस्टेंट टू अ वैरायटी ऑफ पेस्ट एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गन। और जो छोटे छोटे जीवों के द्वारा जो गेहूं की फसलों में जो है कीड़े लग जाते थे वो ये जो क्रॉस ब्रीडिंग मेथड के द्वारा जो गेहूं का पौधा या गेहूं की फसल का निर्माण किया गया था उस पे जो है इन कीड़ों के द्वारा जो है डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे और उस पौधों पे या उन गेहूं की फसलों पे जो है जो कीड़े मकोड़े थे वो जो है नहीं लगते थे। इट वॉज ड्वार्फ एंड रिक्वायर्ड लेस इरीगेशन। या चूंकि क्या थे, बौने प्रजाति के पौधे थे, फसलें थी, तो इनको जो है बहुत ही कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी एंड पेस्टिसाइड और बहुत ही कम पेस्टिसाइड यानी कि हमें दवाओं का, कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवाओं का छिड़काव भी बहुत कम करना पड़ता था। ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप मैच्योरिटी वॉज ऑल्सो शॉर्टर। और इस जो मैक्सिकन व्हीट था, ये मैक्सिकन गेहूँ था, इसका जो क्रॉप मैच्योरिटी का जो ड्यूरेशन था, टाइम था, समय था, वो भी क्या था, छोटा था। यानी कि ये कम समय में ही क्या हो जाता था, फसल जो है पक जाती थी। सिमिलरली इसी तरह हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस, मेज, बाजरा, शुगर कैन एक्सेट्रा वर आल्सो डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट दैट आर वेल सुटेड टू द इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन। और इसी तरह से जो है जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाले फसलों को की वैरायटीज को तैयार किया जिसमें जो है चावल, मक्के, बाजरा और शुगर कैन, गन्ने की फसल जो है शामिल थी जो बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन देते थे। ये जो है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा जो है डेवलप किया गया दैट आर वेल सूट टू द इंडियन क्लाइमेट कंडीशन। और ये जो है हमारे इंडियन क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग भी जो है क्या करता था, सूट करता था। यानी कि हमारे इस इंडियन क्लाइमेट में भी ये जो हाइब्रिडाइज्ड फसलें थी वो जो है अच्छे से जो है ग्रो करती थी। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।